आप देख सकते हैं साफ तस्वीर। हम अनुरोध करेंगे यहाँ के स्थानीय विधायक श्याम रजक जी से, स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं मंगल पांडे जी, और बिहार के जो मुखिया हैं श्री नीतीश कुमार जी, सुनिए 19 वर्षीय युवक जिनकी नौकरी लगने वाली थी वो देख किस स्थिति में, बताइए क्या आप सरकार से बोलना चाहेंगे आप? बस थोड़ा मदद हो जाए, इलाज में बहुत खर्चा हो रहा है, प्राइवेट वाले बहुत खर्चा लेते हैं, इलाज संभव नहीं। क्या आप भरोसा जताएंगे सरकार से, कुछ उम्मीद है आपको? कुछ उम्मीद नहीं है सर, जो स्थिति में हम बच्चा को लेकर दौड़ते हैं ना सर, पांच नंबर का उसी से कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे अब? हम क्या करें, जैसे तैसे अब जो होना है जो होगा, हम क्या कर सकते हैं। 8 तारीख के बच्चा का ज्वाइनिंग था वो भी कुछ नहीं हुआ, इस स्थिति में हम कहाँ लगा सकते। ना विधायक मिलते हैं इस क्षेत्र के, ना सांसद मिलते हैं, मंगल पांडे जी को तो छोड़ ही दीजिए, वो अभी तो एसी में दिन काट रहे होंगे। श्याम रजक जी ने क्या विकास किया है अपने विधानसभा क्षेत्र का, और यहाँ के जो सांसद हैं राम कृपाल यादव, वो क्या गुल खिलाए हैं? आप सड़क देखिए तस्वीर में, आप तस्वीर में देखिए, या पेशेंट का घर देख ही रहे होंगे तस्वीर में किस तरह से घर है, और तस्वीर में यह भी देखिए ये सड़क है आने जाने का, कितनी दुर्लभ रास्ता है ये। खुदा ना खास्ता कुछ इमरजेंसी हो जाए तो क्या समस्या होगी, बहुत ही भयावह दृश्य है। आइए थोड़ा दिखाइए रिपोर्ट को थोड़ा सा, मंगल पांडे जी देखें, श्याम रजक जी भी देखें, ये इनका सारा रिपोर्ट है, ये देखिए किडनी वाला है। हम सिर्फ डायलॉग नहीं दे रहे हैं मंत्री जी, ये देखिए किडनी का प्रॉब्लम है, एक तरफ कोरोना महामारी है, दूसरी तरफ अगर इन्हें प्रॉपर समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दी जाएगी तो ये जो पड़ा हुआ पेशेंट है इनको कैसे आराम मिलेगा, क्योंकि ये सारा जांच रिपोर्ट जनता चुनती है आपको बेहतर काम करने के लिए, जनता की समस्या सुनने के लिए, और अब नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे, चुनाव भी सर पे है आप लोगों का। देखिए कुछ भला कर दीजिए, पड़ा हुआ यहाँ पे है, एक तरफ कोरोना है और दूसरे तरफ क्या घृणोना तस्वीर है आप देख ही रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज़। आज मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जो माननीय श्री नीतीश कुमार जी का, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो उनके मंत्री हैं मंगल पांडे, किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था बना के रखे हुए हैं बिहार वासियों के लिए, आपको देखकर शर्म आएगी। श्याम रजक जी का ये क्षेत्र है, और अभी जो मैं खड़ा हूँ या न्यू एतबारपुर आजाद पथ और रोड नंबर 2 के पास आया हुआ हूँ। बच्चा है 19 वर्षीय है, काफ़ी परेशानी से जूझ रहा है, परेशानी है उनका किडनी में प्रॉब्लम हो गया है, एक तरफ लॉकडाउन, दूसरी तरफ कोरोना महामारी, तीसरा ये बीमारी, लेकिन इन्हें कोई समुचित व्यवस्था नहीं मिल रहा है। अभी देखिए उनका घर है, इस अवस्था में रहते हैं, मैं आपको वो पेशेंट दिखा रहा हूँ जो आपको देखना चाहिए, क्योंकि मंगल पांडे तो यहाँ पहुँचेंगे नहीं, और मंगल पांडे को मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक पेशेंट किस तरह से अपना बीमारी का दिन काट रहा है। ये देखिए यहाँ पर पेशेंट पड़ा हुआ है, ये पेशेंट है, ये पेशेंट की माँ है जो सेवा में लगी हुई है। ये देखिए श्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं मंगल पांडे जी, और यहाँ के जो विधायक हैं श्याम रजक जी, जो अभी उद्योग मंत्री भी हैं सबसे बड़ी बात, लेकिन इन्हें कुछ सरकारी सहायता नहीं मिल रहा है। चाची ये बताइए, ये आपका लड़का हुआ जी, कितने वर्ष का है ये? 19 साल का। क्या इनको क्या प्रॉब्लम हुआ है? 20 तारीख को एक बार कान फूट बंद हो गया तो ले गए हॉस्पिटल में, तो इधर त्रिदेव में गए वहाँ भर्ती नहीं लिया, आयुष में गए वहाँ भी भर्ती नहीं लिया, फिर हिमालय में भर्ती लिया। अच्छा, तो वहाँ बउआ कुछ ठीक हुआ तो बोला कि इसको किडनी दोनों खराब है। अच्छा, बहुत बिल बन गया, तो हम बोले कि भैया हमको नाम कर दीजिए, हम इतना सक्षम नहीं है। हाँ। तो वहाँ से बहुत करते करते फिर नाम कटवाए वहाँ से, फिर उसके बाद दूसरा जगह इलाज का कोई सहायता नहीं, गरीबी स्थिति देख ही रहे हैं। देख लीजिए ये गरीबी स्थिति देख रहे हैं आप, ये जो महिला है दर दर भटक रहे हैं, कितने जो इतने हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ जाके इलाज करवा लिए हैं, और अब जान रहे हैं कि प्राइवेट की स्थिति क्या है, और सरकारी अस्पताल का क्या कहना, सरकारी अस्पताल में क्या व्यवस्था बना के रखे हैं। ये देखिए अभी पेशेंट से हम कुछ सवालात करेंगे, चूँकि अभी तो बोलने की स्थिति में है कि नहीं, हम इनसे थोड़ा पूछते हैं।
तो आप देख सकते हैं साफ तस्वीर। हम अनुरोध करेंगे यहाँ के स्थानीय विधायक श्याम रजक जी से, स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं मंगल पांडे जी, और बिहार के जो मुखिया हैं श्री नीतीश कुमार जी, सुनिए 19 वर्षीय युवक जिनकी नौकरी लगने वाली थी वो देख किस स्थिति में, बताइए क्या आप सरकार से बोलना चाहेंगे? आप बस थोड़ा मदद हो जाए इलाज में, बहुत खर्चा हो रहा है, प्राइवेट वाले बहुत खर्चा लेते हैं, इलाज संभव नहीं है। बस इनको मदद चाहिए, लेकिन मदद कम मिलेगी। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ लॉकडाउन और तीसरी गरीबी, और चौथा विकास, स्वास्थ्य सेक्टर का विकास। ये तो सर जाने में पानी पड़ जाता तो हम बच्चा को लेकर जा नहीं पाते, इतना बारिश से रास्ता खराब है, बहुत दिक्कत होता है। मैं आपको दृश्य दिखा दूंगा कि सड़क की स्थिति क्या है, और माननीय श्री श्याम रजक जी ने क्या विकास किया है अपने विधानसभा क्षेत्र का, और यहाँ के जो सांसद हैं राम कृपाल यादव, वो क्या गुल खिलाए हैं। आप सड़क देखिए, तस्वीर में देखिए, या पेशेंट का घर देख ही रहे होंगे तस्वीर में किस तरह से घर है, और तस्वीर में यह भी देखिए ये सड़क है आने जाने का, कितनी दुर्लभ रास्ता है ये। खुदा ना खास्ता कुछ इमरजेंसी हो जाए तो क्या समस्या होगी, बहुत ही भयावह दृश्य है। यहाँ पे और भी लोग, इनके परिजन हैं। ये बताइए भाई साहब कि आपका कौन हुए ये? ये हमारे पड़ोसी हैं, और इनका ये हम लोग जाने की इस तरह के प्रॉब्लम है, तो हमने ये चीज़ अपने फ्रेंड लोग से शेयर किया ये बात कि इनको इनका जो किडनी है ये 80% तक मतलब डैमेज हो चुका है, तो इस विषय को लेकर हम लोगों ने आगे चर्चा किया। और यहाँ इस तरह का जो माहौल हम लोग का है ये आता है न्यू उत्पारपुर, ये यहाँ के विधायक हैं श्याम रजक जी, जिनके तरफ से सिर्फ स्टार्टिंग फेज में ही उधर शायद ध्यान दिया गया, और अभी जो हम लोगों का उड़ाही हुआ है, जो पैन वगैरह सब में घोटाला हुआ है, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, मुखिया है, जो भी हैं, कोई मतलब घोटाला हुआ, लेकिन ये जो अभी जो बीमार पड़े हुए हैं 19 वर्षीय युवक जो है, इनके लेकर आप पड़ोसी हैं तो क्या क्या अपने कैसे इनके लिए क्या कर रहे हैं आप? हम लोग बहुत अपने तरफ से बहुत प्रयासरत कर रहे हैं कि इनको सरकारी जो भी लाभ है गवर्नमेंट की तरफ से मिले, और इनका अच्छा से अच्छा क्या आप संपर्क किए हैं, स्वास्थ्य विभाग गए हैं आप, बात किए? हमने कोई सुनता नहीं है ना, हम लोग जाएंगे तो बहुत, अभी तो लॉकडाउन है तो इस वजह से दिक्कत हो रहा है, किसी से मुलाकात नहीं होता है, और हम लोग तो अब चाहते हैं कि पहले नज़दीक में जो जनप्रतिनिधि हैं सारा उनसे पहले शेयर करें, कोई सुनते नहीं है, उनका कोई सुनवाई नहीं है। और श्याम रजक जी भी हम लोग कोशिश करते हैं जाने, लेकिन सुनते हैं कभी यहाँ है कभी वहाँ है, अपने आवास रामकृपाल जी से मिलने गए आप? नहीं, रामकृपाल जी साहब से नहीं भी मुलाकात हुई है, लेकिन वो आते हैं क्षेत्र में तो हम लोग को क्षेत्र भ्रमण ही नहीं करते हैं कि क्षेत्र में क्या है नहीं है सारा चीज़। और अभी सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, लॉकडाउन हो गया है, तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग जाके मिलना है, सारा चीज़ करना है, तो ये सब को लेकर के सारा परेशानी आ रही है। रास्ता सोचिए, ना विधायक मिलते हैं इस क्षेत्र के, ना सांसद मिलते हैं, मंगल पांडे जी को तो छोड़ ही दीजिए, वो अभी तो एसी में दिन काट रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी महिला है, जो इनकी माँ है, इनसे जानना चाहेंगे हम यह कि क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, क्या भरोसा जताएंगे सरकार से, कुछ उम्मीद है आपको? कुछ उम्मीद नहीं है सर, जो स्थिति में हम बच्चा को लेकर दौड़ते हैं ना सरपंच ना मुखिया, उसी से कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे अब? हम क्या करें, जैसे तैसे अब जो होना है जो होगा, तो हम क्या कर सकते हैं। 8 तारीख के बच्चा का ज्वाइनिंग था, वो अभी कुछ नहीं हुआ, इस स्थिति में हम कहाँ ले जा सकते हैं? कहाँ ज्वाइनिंग होना था? अमीन वाला में था। अच्छा, नौकरी होने वाली थी। हाँ, सब तो गरीब है, सब बच्चा हस्बैंड रोज के डेली कमाते हैं आते हैं, उनका भी शरीर ठीक नहीं रहता। अच्छा, डेली कमाते हैं खाते हैं, इस तरह का है स्थिति। छोटा बच्चा था, सोचे कि कुछ हो जाएगा। कितना बेटा बेटी आपको है? 3 लड़का 1 लड़की है। अच्छा, ये में छोटा है? ये छोटा है। अच्छा, ये देखिए रिपोर्ट, कुछ आप रिपोर्ट भी देख लीजिए कहाँ कहाँ ये गए हैं, आप आइए थोड़ा दिखाइए रिपोर्ट को थोड़ा सा, मंगल पांडे जी देखें, श्याम रजक जी भी देखें, ये इनका सारा रिपोर्ट है। ये देखिए किडनी वाला है, हम सिर्फ डायलॉग नहीं दे रहे हैं मंत्री जी, ये देखिए किडनी का प्रॉब्लम है, एक तरफ कोरोना महामारी है, दूसरी तरफ अगर इन्हें प्रॉपर समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दी जाएगी तो ये जो पड़ा हुआ पेशेंट है इनको कैसे आराम मिलेगा, क्योंकि
ये सारा जांच रिपोर्ट, जनता चुनती है आपको बेहतर काम करने के लिए, जनता की समस्या सुनने के लिए, और अब नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे? चुनाव भी सर पे है आप लोगों का, देखिए कुछ भला कर दीजिए, पड़ा हुआ यहाँ पे है, एक तरफ कोरोना है और दूसरे तरफ क्या घिनौना तस्वीर है आप देख ही रहे हैं। दर्शक से अपील करेंगे हम, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और ये जो जिस स्थिति में रहते हैं ये पूरा घर देख लीजिए, ये गरीब का घर है, और सरकार किनको मदद कर रही है, किनको राहत पहुंचा रही है, किनको स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रॉपर सुविधा दी जा रही है, यह तस्वीर से आपको साफ पता चल रहा होगा। यह जो जनमंच न्यूज आपको मुद्दों से रूबरू करवा रही है, यह मुद्दा मेरे पास, मैं यहाँ खुद पहुंचा नहीं हूँ, मुझे यहाँ कोई लाया है, एक कोरोना योद्धा है जो समता सैनिक दल, जो सामाजिक संगठन है, वहाँ के ये प्रदेश महासचिव है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा से रूबरू करवाया जनमंच न्यूज को, आप हमारे माध्यम से इस 19 वर्षीय युवक के लिए क्या अपील करेंगे आप? हमें जब पता चला, जब हम इस समय जब जाने कि इस समस्या से ग्रसित हैं, और इस समस्या के समय सारा पंचायत का जनप्रतिनिधि के साथ साथ विधायक और सांसद सब अपने काम करने में विफल है, और इस समय जब सामाजिक संगठन का काम जब सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, सामाजिक संगठन इस सत्ता में बैठे लोगों को उसका कर्तव्य को याद दिलाने का काम कर रहा है, और निसंदेह अगर कर्तव्य याद नहीं आया तो इन माता जी का आंसू एक न एक दिन समंदर बनकर इन तमाम सत्ता में बैठे लोगों को डुबो देगा। उनका आंसू देखकर जब पंकज बताया तो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि किस दुख और दर्द में माता जी और उनके भाई और उसके पिताजी और पूरा समाज किस दुख दर्द में होगा। और इसका समस्या इतना विकराल हो चुका है कि आज कोरोना के नाम पर सत्ता में बैठे लोग और सत्ता के सिपहसालार आज कोरोना का धंधा करना शुरू कर दिए हैं। आज कोरोना के डर के मारे, ठीक कोरोना एक बीमारी है, लॉकडाउन लगाना एक तरह का रोकथाम का जरिया हो सकता है लेकिन इलाज नहीं, लॉकडाउन को उन्होंने इलाज समझ बैठा है, और कोरोना के माध्यम से एक छुआछूत का वातावरण बन चुका है जिसके जरिए हमारे इस नवयुवक का जवानी खराब हो रहा है, नवयुवक को कोई अस्पताल में भर्ती नहीं ले रहा। अब जो है, जो स्थिति है, जो विकट स्थिति इनके साथ हुआ है, आप क्या करेंगे इनके लिए? अभी हुआ क्या है ना, मतलब एक युक्ति बताई थी, एक जो हम लोग जब घूमते हैं चारों तरफ तो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बिना बंदूक की डकैती हो रही है। बंदूक उठाएंगे आप? बिना बंदूक की डकैती कर रहा है वो लोग। अच्छा, बिना बंदूक डकैती सत्ता में बैठे लोग। अच्छा, तो इसके लिए हम जागरूकता फैलाएंगे ज्यादा से ज्यादा लोग कि आप किसी भी कीमत पे सही जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें, इनको इंसाफ मिले, इसके लिए काम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए इस मुद्दा को लेकर हम जाएंगे सीधे जनप्रतिनिधि जो सांसद हैं और विधायक हैं श्याम रजक, रामकृपाल यादव, और बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री देख रहे हैं कि आप अपने घेरे में इस चीज़ को लीजिए और निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए, जो हमारा संविधान की प्रस्तावना कहता है कि सबको चिकित्सा और सबको शिक्षा, उसी के माध्यम से आप इनके बीमारी को ठीक करवाइए, और नहीं तो चक्का जाम हम करेंगे, जगह जगह पर जुलूस निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे इस मामला को लेकर जब तक कि इनके स्वास्थ्य की सुनिश्चित नहीं कर दी जाती है। सोच सकते हैं कि युवा है, सामाजिक संगठन से जुड़े हुए और काफ़ी आक्रोशित हैं, अगर इस युवक को न्याय नहीं मिलेगा तो चक्का जाम किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा, जो संभव हो सकता है सरकार को घेरने के लिए ये सारा प्रयास करेंगे। सामाजिक संगठन के युवा तो बिगुल फूक चुके हैं, आपसे उम्मीद होगा कि इस वीडियो को शेयर करके थोड़ा सा इन समस्या को बढ़ाने में सहायता करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।